मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी क्रेजी लड़का, मेरा नाम है अमृता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मलाई कुल्फी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही आसानी से दो इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगी और आप इसको अपने बच्चों को बना के दे सकते हो, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ट्रस्ट मी, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी आप घर पे बना सकते हो। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, आपको सारी प्रोसीजर समझ में आ जाएगी। बस दो इंग्रेडिएंट्स में मलाई कुल्फी रेडी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मलाई कुल्फी की रेसिपी। तो मलाई कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है यहाँ पे 1.5 लीटर, और मैंने यहाँ पे 6 बड़े चम्मच चीनी के लिए है। चीनी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हो। और ये जो कुल्फी है बस दो इंग्रेडिएंट से बनेगी, दूध और चीनी। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ये चीज़ को आप स्किप कर सकते हो। सिर्फ दो चीज़ों से आप मलाई कुल्फी बना सकते हो आसानी से। और यहाँ पे मैंने लिया है इलायची पाउडर 1/4 चम्मच, ऑप्शनल है बिल्कुल। बादाम और काजू लिए मैंने बारीक कटे हुए, तो 4 बादाम 4 काजू को मैंने इस तरीके से बारीक टुकड़ों में काट लिया है। ये जो पूरी चीज़ है ये मैं आपको ऑप्शनल बता रही हूँ, आपके पास नहीं है तो बस ये दो चीज़ों से आपकी मलाई कुल्फी आसानी से टेस्टी बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, सबसे पहले दूध को बॉयल करना है। तो दूध को बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है, कच्चा दूध लेना है, बॉयल्ड दूध नहीं लेंगे हम यहाँ पे। तो दूध को हम अभी बॉयल करेंगे, तो बिल्कुल धीमी आँच पे हम दूध को पहले सबसे पहले बॉयल करने वाले हैं। देखिए हम देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है, तो दूध को हम बंद नहीं करेंगे, इसी तरह चलाते हुए उसको पकाएंगे। हर 1 से 2 मिनट में दूध को चलाते रहना है और तब तक इसको उबालना है, तब तक इसको पकाना है जब तक ये अपनी क्वांटिटी का, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी, उसका 1/4 ना हो जाए। तब तक हमें इसको धीमी आँच में इसी तरह पकाते रहना है, बॉयल करना है। और ध्यान रहे बीच बीच में चलाते रहे इसे। दूध की क्वांटिटी आप देख सकते हो पहले से कम हो गई है, और इसकी साइड साइड की जो भी मलाई आप देख सकते हो, यहाँ पे मलाई लगी हुई रहती है साइड में, इसको हम मिलाते रहेंगे दूध में, इससे दूध और गाढ़ा हो जाएगा। हमें दूध को उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी थी, उस क्वांटिटी से हमें बिल्कुल इसका 1/4 करना है, तो इसको हम और पकाएंगे धीमी आंच पे। देखिए यहाँ पे आप क्वांटिटी को देख सकते हैं कितनी कम हो गई क्वांटिटी। अभी इसी स्टेज पे इसमें हम ऐड करेंगे चीनी को। चीनी आप स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो कम या ज़्यादा, कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं। चीनी को घुलने देंगे अच्छे से और लो फ्लेम पे ही इसको घुलने देंगे। और इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर भी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। या फिर आप इसके बिना भी बना सकते हो। सभी चीज़ों को मिला लेंगे अच्छे से, और जो भी साइड साइड की जो मेरी मलाई आपको दिख रही है उसको हम इस तरीके से निकाल निकाल के दूध के अंदर डालते रहेंगे, इससे ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। और हमें चीनी घुलने तक इसको पकाना है या फिर और गाढ़ा करेंगे हम इसको, क्योंकि अभी भी ये थोड़ा पतला ही है तो इसको और थोड़ा गाढ़ा करेंगे। देखिए हम देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया, ये एकदम मलाईदार दूध हमारा हो गया है, आप देख सकते हैं कितने दानेदार हो गया है। तो बस यही कंसिस्टेंसी पे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। देखिए अभी एकदम ठंडा हो गया है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे आ गया है, और अभी ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए मलाई कुल्फी बनाने के लिए। कितनी सारी मलाई आप देख ही सकते हैं, और बिल्कुल अपने ओरिजिनल क्वांटिटी के 1/4 ये हो गया है। मैंने देखी कुल्फी जमाने के लिए कुल्फी के मोल्ड ले लिए इस तरीके से, जो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके के ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए नीचे से ये नैरो है, ऊपर से वाइड है, तो इस तरीके से इतना इतना भर के आप इस तरीके का ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास ये नहीं है तो। या फिर छोटे छोटे जो थर्मोकोल वगैरह के ग्लास आते हैं
उसको भी आप ले सकते हो यूज़ एंड थ्रो वाले। मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाला सेट, कुल्फ़ी वाला सेट। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इसे भरने वाली हूँ। तो देखिए मैंने भर दिया है इस 6 मोल्ड में, और अब मैं थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डालूंगी ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा दिखने में अच्छी लगेगी। और खाने में तो ड्राई फ्रूट वैसे ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो ये डाल दिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट इसके ऊपर, कटे हुए बारीक कटे हुए, थोड़े से मैंने बचा के रखे थे। तो देखिए इस तरीके का एल्युमिनियम फॉइल लिया है मैंने। इस सेट के साथ में इस तरीके का लिड भी आता है। अगर आप स्टिक नहीं लगाना चाहते तो आप ये लिड भी इसके ऊपर लगा सकते हो। अगर आप स्टिक लगाना चाहते हो तो स्टिक लगाने के लिए मैं एक आइडिया बताती हूँ आपको। ये एल्युमिनियम फॉइल को मैंने गोल काट के लिया है, तो चलिए इसको मैं आपको लगा के भी बताती हूँ। इसे हम इस तरीके से कवर कर देंगे। कवर इसलिए करेंगे क्योंकि हमें स्टिक लगानी है, अदरवाइज स्टिक नहीं लगानी, तो इससे भी आप आराम से इसको कवर कर सकते हो, इसके साथ मिलता है। तो चलिए मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया। स्टिक लगा के हम ऐसे बिना फॉइल के नहीं रखेंगे क्योंकि उससे क्या होगा जो आइस के क्रिस्टल्स होते हैं ना वो इसमें फॉर्म होंगे, तो हमें वो नहीं चाहिए। इसके लिए मैं सभी में इस तरीके से फॉइल लगा दूंगी। तो मैंने पहले से ही गोल फॉइल काट के रखे हैं। तो देखिए मैंने सारे मोल्ड्स को कवर कर लिया है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी आप ये मोल्ड अगर ख़रीद रहे हो तो उसके साथ में ये स्टैंड आता है नीचे वाला, आप देख सकते हो जिसके ऊपर मैंने इसको रखा है, वो भी आप ज़रूर ख़रीदें क्योंकि इससे क्या होगा ये जो आपके कुल्फ़ी है ना वो स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। तो ये ज़रूर उसके साथ स्टैंड ख़रीदें। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टिक लगाने के लिए नाइफ़ ले लिया मैंने, नाइफ़ से एक कट लगा देंगे, छोटा सा कट लगा देंगे। सभी को मैं कट लगा दूँगी जिससे कि हम आसानी से इसमें स्टिक इंसर्ट कर सकें। अभी इस तरीके की स्टिक लेंगे और इसको हम इसमें सेट कर देंगे। और इसको हमें फ्रीज़र में रखना है 8 से 10 घंटे के लिए, तो मैं इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख रही हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कुल्फ़ी कैसी जमी है और कैसी लग रही है। तो मैं 8 से 10 घंटे बाद आपको ये जमने के बाद मिलती हूँ। तो देखिए मैंने इसे कुल्फ़ी को ओवरनाइट रखा और ये अच्छी तरह से जम चुकी है। तो अब हम इसको निकालते हैं, अनमोल्ड करते हैं इसको। तो अनमोल्ड करने के टाइम आपको बस ऐसे ऐसे करना है जैसे आप देखते होंगे कुल्फ़ी वाला करता है, ऐसे ऐसे करना है आपको। तो ये हीट से जो है साइड साइड से निकल जाएगा, छूट जाएगा और ये आसानी से अनमोल्ड हो जाएगा। वाओ सी सुपर्ब, कितनी मलाईदार कुल्फ़ी आपको, ऐसी तो कुल्फ़ी बाहर भी खाने के लिए नहीं मिलेगी, और कितनी मलाईदार कुल्फ़ी आपको, कितनी टेस्टी होगी सोचिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप इसको बच्चों को भी खाने के लिए दे सकते हो क्योंकि तो ये प्योर दूध की बनाई है हमने। तो मैं सारी की सारी कुल्फ़ी जो है इसको अनमोल्ड करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है कुल्फियों को अनमोल्ड और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कुल्फ़ी है, कितनी डिलीशियस लग रही है सच में।
इस कुल्फ़ी का जवाब नहीं है। आप इसको एक बार बना के देखिए, बहुत ही सिंपल, बस दो इंग्रेडिएंट में आप इसको बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी है। और इसको बना के देखिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।